natural sweetener, Flavor All. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavor All by Greenish. Flavor All from Greenish, now available at Rexall Pharmacies. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you are financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. भारत 2019 इलेक्शंस का पांचवा दौर आज ख़त्म हुआ, पांचवा राउंड ख़त्म हुआ और टैग टीवी पर ताहिर गोरा आपको एक मुख्तसर सा तजिया पेश कर रहा है। अब तक की जो इतलात हैं, अच्छी खासी वोटिंग रही, इस बारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, हम उनकी कर्टसी के साथ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एक खूबसूरत जिंगल भी बनाया हुआ है इलेक्शंस के सिलसिला में, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ कनाडा की कर्टसी के साथ ये एक वीडियो क्लिप। चुनाव की कहानियाँ, चुनाव की कहानियाँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ द मीडिया फ्रेंड्स हु हैव कम हियर। एज यू आर सीइंग दैट लेस नंबर ऑफ पीपल आर देयर बिकॉज ओनली 7 स्टेट्स आर गोइंग फॉर हैव गॉन फॉर पोल टुडे एंड 51 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बट नंदेलेस द इलेक्शन कमीशन इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड to give the same standard of poll preparedness and facilitation. We in Election Commission announced the poll schedule on 10th of March, and you see how the time passes by. Already 57 days have passed and today is 58th day, and five phases poll is over. आपने सुना Election Commission of India कैसे बताता है कि अब इस पांचवें राउंड में जो आज ख़त्म हुआ किस तरह की परसेंटेज रही। और ये सूरत है इलेक्शन भारत 2019 की और पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। अब तक आपने मोदी साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज सुने, इसके साथ साथ राहुल गांधी के भी इंटरव्यू आपने सुने और जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके भी लोगों के आप इंटरव्यू सुन रहे हैं। मीडिया भरा पड़ा है और सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया बातचीत कर रहा है भारत के इस इलेक्शन पर। और जैसा कि हम बार बार यहाँ पर कह रहे हैं कि कनाडा में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए, हम सब साउथ एशियंस की, भारतीयों की, सारी दुनिया की नज़रें, निगाहें भारत के इलेक्शन पर लगी हुई हैं। और ये भारत के इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि इन इलेक्शंस के नताइज के बाद ये तय होगा कि मोदी रजीम ने जो 5 साल से एक डायरेक्शन सेट की, क्या उसी डायरेक्शन पे भारत आगे जाएगा या सरकार बदल जाने की सूरत में वो डायरेक्शन मुख्तलिफ हो जाएगी। इसलिए ये इलेक्शन बहुत अहम है। आज के पांचवें राउंड में जो पोलिंग हुई उसमें हमने ये सुना और देखा कि पुलवामा में जो के 2-3 महीने पहले एक बहुत बड़ा वहाँ पर सुइसाइड अटैक हुआ, टेररिस्ट हमला हुआ, उसका भी इस इलेक्शन पर इम्पैक्ट है। तो पुलवामा के एक पोलिंग स्टेशन पे एक हमला हुआ, एएनआई के शुक्रिया के साथ हम ये वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। Thank you.
तो सुबह लगभग 5:30 यहाँ पहुँच गए, 5:45, तो आने में बहुत दिक्कत पेश आई। तो हम खाली आधा घंटा हो गया था अंदर आने में, तो बाहर धमाके की आवाज़ सुनाई दे दी। तो उसके साथ एक शेल थी, ये पता नहीं था ग्रेनेड था या पेट्रोल बम था। तो मैंने ये कि बाल बाल बच गए, बहुत दिक्कत है, बहुत हिसास पोलिंग स्टेशन है, बहुत मुश्किल क्या लग रहा है आपको? खतरा तो नहीं इस टाइम लग रहा है आपको? खतरा तो लग रहा है पूरा। तो सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम थे यहाँ पे? सिक्योरिटी के इंतजाम थे, लेकिन पहले कवरिंग नहीं थी, जिसकी वजह से ये हो गया। हाँ, अंदर तो सिक्योरिटी ठीक है, लेकिन बाहर पहले पहरा नहीं था, जिसकी वजह से नज़दीक आके ये हमला हो गया। सुबह से कोई वोट हुआ यहाँ पे? नहीं, कोई वोट नहीं हुआ। डर लग रहा है आपको यहाँ पे? हमें तो डर लग रहा है पूरी तरह से, और क्या। तो आज के 5वें राउंड के चुनाव के मौका पर पुलवामा के करीब एक गांव में ये हमला हुआ, और जो इतलात मिली उस पूरे इलाका में वोट की परसेंटेज 9 और 10% के करीब रही, जबकि लद्दाख में ये 64% के करीब रही। ये इलेक्शन कश्मीर के मुद्दे के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है, चूँकि साफ मैसेज हमें मोदी सरकार से मिल रहा है कि अगर वो एक बार फिर आ गए, जैसा कि लगता है कि वो आ जाएंगे, तो वो शायद 370 की क्लॉज जो है और 35B की जो क्लॉज है उनको उड़ा देंगे। उसका कारण ये है कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि एक मुल्क के अंदर दो मुल्क नहीं चल सकते, एक ही रियासत है, एक ही असूल है, ये कोई तुक नहीं बनता। वो ये कह रहे हैं कि 21वीं सदी में रहते हुए कोई भी सिटीज़न इंडिया का कश्मीर में प्रॉपर्टी ना ख़रीद सके, वहाँ पर फ्रीली ज़िंदगी ना गुजार सके, शादी ब्याह ना रचा सके, और इससे मिलती जुलती क्लॉज में जितनी बातें हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, और बार बार मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि ये जो चंद ख़ानदानों का कश्मीर पर अजारादारी का मामला रहा, इसको ख़त्म होना चाहिए। 21वीं सदी की ज़रूरत के मुताबिक और मोदी जी की जो अप्रोच है, प्रोग्रेसिव अप्रोच है, उसके मुताबिक ये बातें ठीक लगती हैं। वाकई ही एक इंक्लूसिव पॉलिसी का होना ज़रूरी है, ताकि कश्मीर भारत का जिस तरह का अटूट अंग हिस्सा है, उसी तरह वो भारत की तमाम फैसिलिटीज़, डेमोक्रेसीज़, सिविल लिबर्टीज़ इंजॉय कर सके, और 5-6 ख़ानदानों का ये जो राज है, ये जो बुलिंग है और ये जो टेररिज्म का एक सिलसिला चला हुआ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और मोदी सरकार अगर अपनी हुकूमत दोबारा बनाने में कामयाब होते हैं, जैसा कि पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि वो हो जाएंगे, तो उनको कश्मीर की जो पॉलिसी है वो इंक्लूसिव बनानी होगी, और वो जो पिछले 5 वर्षों में जो काम वो नहीं किया उन्होंने, जो ना कर सके, अब उनको शायद करना चाहिए, करना होगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हम समझते हैं कि उन्होंने सीखा है इस सारे अमल को, अब उनको इससे आगे बोल्ड स्टेप लेना होगा। इसी में कश्मीर की भलाई है, इसी में भारत की भलाई, और इसी में साउथ एशिया के रीजन की पीस की भलाई इसी में है। और आज के 5वें राउंड में जिस तरह की परसेंटेज हुई, उस परसेंटेज का मुख्तसर सा हाल सुनिए। 5वें चरण में 62.56% लोगों ने वोट किया। सबसे ज्यादा इस चरण में भी बंगाल में मतदान हुआ। यहां 5 बजे तक 74% लोगों ने वोटिंग की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 63%, झारखंड में 64% लोगों ने वोट किया, और शाम 6 बजे तक उत्तर प्रदेश में 57%, बिहार में 58%, राजस्थान में 64% लोगों ने वोट किया। जम्मू कश्मीर की सीटों में अनंतनाग पर सबसे कम करीब 9% और लद्दाख में करीब 64% लोगों ने वोट किए। आपने वोट परसेंटेज कास्ट जो हुई वो उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट सुनी, आपको अंदाज़ा हुआ कि अच्छे खासी परसेंटेज है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ये कह रहा था कि अब तक के 5 राउंड में कोई आलमोस्ट 2% वोट ज़्यादा पड़ रहा है 2014 से भी, जबकि हम ऑन द अदर हैंड जो मीडिया
رپورٹس تھیں اس سے یہ سن رہے تھے یا جو لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ووٹ پرسنٹیج کم ہے. مگر الیکشن کمیشن آف انڈیا جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ اس بات کی انڈورسمنٹ کر رہا ہے کہ ووٹ پرسنٹیج تھوڑا بڑھ رہا ہے. ہم سب کی کینیڈا میں بیٹھے ہوئے، یو ایس میں بیٹھے ہوئے، ویسٹرن ورلڈ میں بیٹھے ہوئے نظریں ہیں کہ بھارت کے اس چناؤ میں کس طرح کے ٹرینڈز جا رہے ہیں، اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ پرسنٹیج کچھ سٹیٹس میں کم پڑ رہا ہے، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ شاید بی جے پی کچھ سٹیٹس میں تھوڑی سیٹس لوز کرے. مگر آج کے پانچویں راؤنڈ کے چناؤ میں جو بڑی خبر آئی وہ یہ تھی کہ بہت بڑی پرسنٹیج ویسٹ بنگال میں ہوئی، آلموسٹ 74%. اور کچھ پنڈت یہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ پرسنٹیج ووٹس کی بڑھتی ہے کسی بھی اسٹیٹ میں، بی جے پی کے وہاں سے زیادہ سیٹیں لینے کا چانس بنتا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں بی جے پی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑے اپوننٹ ہیں وہ مسٹر راہل گاندھی جو میٹھی سے الیکشن لڑ رہے ہیں. گزشتہ 15 سال سے وہ وہاں سے ممبر پارلیمنٹ چلے آ رہے ہیں، اور میٹھی کے بارے میں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر ان کی پوزیشن ٹف ہوگی. پچھلے الیکشن میں وہ صرف 1.2 لاکھ سے وہاں سے جیتے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ ان کو اور ٹف ٹائم ملے، ہو سکتا ہے وہ ہار ہی نہ جائیں، یہ کون جانتا ہے. ان کے مد مقابل ہیں سمرتی ایرانی، اور دوسری طرف سمرتی ایرانی ایک ایکٹریس رہی ہیں، بہت ہی سیزنڈ ایکٹریس اور بہت ہی منجی ہوئی پولیٹیشین. ان کے ساتھ ساتھ شتروگھن سینہا کی جو بیگم ہے پونم سینہا، وہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ کانگریس میں آئے. شتروگھن سینہا پہلے بی جے پی میں ہوتے تھے، وہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے، اور یوں لگتا ہے ان کی پریس کانفرنس تھی کہ ایک ایگو کا مسئلہ تھا، ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا رہا تھا اکارڈنگ ٹو ہز ورڈز جو انہوں نے بات چیت کی. بہرحال آج پونم سینہا کیا بات کرتی ہیں، اور دوسری طرف امیٹھی میں الیکشن جو ہو رہے ہیں وہاں پر سمرتی ایرانی اس الیکشن کے حوالے سے کیا بات کر رہی ہیں. دونوں منجی ہوئی ایکٹریسز اور پولیٹیشنز کی ہم اے این آئی کے ساتھ کی گئی بات چیت آپ کو سنواتے اور دکھاتے ہیں. دیکھ رہی ہوں، بہت بہت اچھا دیکھ رہی ہوں، خوشخبری ہے ہمارے لیے، اور ہم ضرور آگے نکلیں گے اور اس ریس میں ہم جیتیں گے. جنتا بدلاؤ چاہ رہی ہے؟ بالکل چاہ رہی ہے بدلاؤ، میں دیکھ رہی ہوں جس دن سے میں آئی ہوں ایک دم بدلاؤ چاہ رہی ہے. ساری جنتا جانتی ہے اس بات کو کہ وہ لوگ نے جو جھوٹ بولے ہیں، دھوکہ دیا ہے، اور جو صرف جملے بازی کی ہے، تو لوگ جانتے ہیں، اور لوگ جاگرک ہیں، ہمارے دیش کے لوگ بہت ہی جاگرک ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں. اور اگر ان میں طاقت ہے ایک سرکار کو لانے کے لیے، تو وہی طاقت اس سے زیادہ ہے سرکار کو نکالنے کے لیے. سو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بدلاؤ چاہتے ہیں اور آئے گا. ٹھیک ہے، مانا جائے گٹھ بندھن یہاں سے جیتے. بالکل بالکل جیتیں گے ہی جیتیں گے. आज आग्रह करना चाहती हूँ आपके माध्यम से देश की पूरी जनता को. कल अमेठी का एक दर्दनाक और घिनौना सच जनता के सामने आया. एक निर्दोष गरीब राहुल गांधी जो ट्रस्टी हैं जिस अस्पताल के, उस हॉस्पिटल में गए आयुष्मान भारत का कार्ड लेके. उन्होंने मात्र यही गुहार लगाई कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मोदी जी ने आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, उसके चलते मेरा मुफ्त में आप उपचार करें.
उस व्यक्ति को अस्पताल ने ये कहा ये राहुल गांधी का अस्पताल है, यहाँ पर मुफ्त उपचार आयुष्मान भारत का नहीं होगा, वो व्यक्ति मर गया। मैं चाहती हूँ देश समझे कि ये परिवार इतना घिनौना है कि एक निर्दोष को मौत के घाट भी उतारने को तैयार है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उनकी राजनीति प्यारी है, गरीब और मजलूम लोग नहीं। प्रियंका जी जब भी प्रचार में आती हैं अमेठी वालों, मेरा तो नाम नहीं जानती थी 5 साल पहले, अब हर दिन मेरा ही नाम रटती हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है आप सोचिए। मेरे मुँह से उनके मुँह से मेरा नाम और उनके पति का नाम कम निकलता है, मेरा ज्यादा निकलता है। लगातार जो प्रचार किया गया उसमें राजीव जी की याद दिलाई गई, मैं इतना ही कहूंगी अगर यादें ताजा करनी है तो बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं, कल ही की घटना देख लीजिए, देखिए कैसे राहुल गांधी का हाथ सना है एक निर्दोष गरीब अमेठी वासी के खून से। ये वो राहुल गांधी है जो अपने अस्पताल में एक निर्दोष गरीब को मार सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का आयुष्मान भारत कार्ड लेकर गया था। उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा था वो किसको वोट करेगा, वो व्यक्ति सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। अपने दोनों मंझी हुई अदाकाराओं के इंटरव्यू सुने और छोटे से क्लिप्स थे जो ANI के साथ थे, और स्मृति ईरानी तो बहुत ही मंझी हुई पॉलिटिशियन भी हैं। देखना यह है कि अमेठी से क्या वो हार पाएंगी राहुल गांधी को या नहीं, ये तो 23 मई के रोज़ आने वाला नतीजा ही हमें बताएगा। और ये बहुत अहम राइडिंग है, बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और इतलात ये आ रही है कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया है और उस एरिया में कुछ नहीं हुआ। और जैसा कि आपने मिस स्मृति ईरानी की बात सुनी तो वो ये कहती हैं कि वहाँ पर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई, हत्ता के हॉस्पिटल जो सरकारी है उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का हॉस्पिटल है। बहरहाल ये इस चुनाव में एक बहुत बड़ी फाइट है जो अमेठी में लड़ी जा रही है, और देखेंगे कि अगले दो राउंड में कैसे रिजल्ट्स आते हैं पूरे इंडिया के चुनाव में, और फिर 23 मई का इलेक्शन हमें बताएगा। और आज के इस एनालिसिस में हम आखिर में देखते और सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो क्लिप जो ANI ने रिलीज़ किया, और इसमें वो ममता बनर्जी को किस तरह ललकारते हैं, देखिए ये वीडियो क्लिप। पूरी भारत सरकार, केंद्र सरकार के तमाम विभाग पूरी मुस्तैदी से राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, हमारे पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस चक्रवात पर भी राजनीति करने की भरपूर कोशिश की है। चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं इंतजार करता रहा कि शायद दीदी वापस मुझे फोन करे, लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया। मैंने फिर भी उन्हें दोबारा फोन किया। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चिंता में था, इसलिए ममता दीदी से बात करना चाहता था, वो यहां की मुख्यमंत्री है। लेकिन दीदी ने दूसरी बार भी मुझसे बात नहीं की। तो मोदी जी इस वीडियो क्लिप में बताते हैं कि वो ममता बनर्जी से रابطہ कर रहे थे और उन्होंने उनसे कॉल बैक नहीं की। तो बहरहाल ये इलेक्शन, ये चुनाव किस तरह के नतीजे लगाता है
23 मई को सबकी नज़रें इस बात पर जमी हैं, देखते हैं कि आने वाला समय भारत के लिए, भारत देश के लिए, आवाम के लिए क्या पैगाम लेकर आता है, और जिस तरह का पैगाम लेकर आएगा हम उसी तरह से तजिए टैक टीवी पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और देखने वाली बात ये है कि ये इलेक्शन क्या इतना पावरफुल नतीजा देगा, इतना पावरफुल मैंडेट देगा नई बनने वाली सरकार को, चाहे वो मोदी सरकार दोबारा से रीएलेक्ट हो या कुछ और नक्शा बने। तो वो आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे खबरें और तजिए भारत इलेक्शंस 2019 पर टैक टीवी आपके साथ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे शेयर करता रहेगा। आज का तजिया देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।